राजकोट में गोंडल रोड चोकड़ी पासेना रिद्धि सिद्धि नाला पासेथी लोहीना डाघवाळू पीन मारी पैक करेलू एक मोटू बॉक्स मळी आव्यु हतु, जेमां छरीना घा चीकायेली बुटलेगर संजय सोलंकीनी लाश मळी हती। आ हत्यानो भेद पोलीसे गणतरीनी कलाकोमां ज उकेली नाख्यो छे, जेमां संजय सोलंकी अने तेना मित्रो वच्चे बोलाचाली थता हत्या करवामां आवी हती। मित्र साथे बोलाचाली थता मित्रए संजयना माथामां बोथड़ पदार्थ झींकीने मोतने घाट उतारी दीधो हतो अने पछी लाशने सगेवगे करवा अन्य बे मित्रोनी मदद पण लीधी हती, जेथी क्राइम ब्रांचे त्रण आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। गत रात्रे पोलीसे तपास करता मृतक गोकुलधाम विस्तारनो बुटलेगर संजय राजू सोलंकी उमर वर्ष 37 होवानुं खुल्यु छे। आ घटनामां संजय सोलंकी ने 7 થી વધુ છરીના ઘા ઝીકવામાં આવ્યા હતા। બુટલેગરને ક્રૂરતાથી ઠંડા કલેજે રેસી નાખી લાશને ગિફ્ટ બોક્સમાં પેક કરવામાં આવી તે રીતે પેક કરવામાં આવી હતી। હત્યા પાછળ સ્ત્રી પાત્ર કારણભૂત હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાલ મુખ્ય આરોપી વિશાલ બોરીસાગર અને તેના અન્ય બે સાગરીતોની ધરપકડ થતાં હત્યાનું કારણ સ્પષ્ટ થયું છે। જાગૃત નાગરિક હતા આજી ડેમ વિસ્તાર કા, उसने आजी डैम पुलिस स्टेशन में जानकारी दी कि एक शंकास्पद कार्डबोर्ड बॉक्स है वो जाहिर रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ है। इस जानकारी के बाद आजी डैम पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पे पहुँचा, उसने वहाँ पे तपास की और तपास में निकला कि एक अंदर बॉडी है, बॉडी के ऊपर मोड़ा और माथे के भाग में काफ़ी गंभीर और गहरे इजा हैं। तो इसके आधार पर प्राथमिक रूप से लगा कि मर्डर है। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद तपास की और तपास में जो बॉडी थी उसके ऊपर जो कपड़े थे, आर्टिकल्स थे, टैटू थे, इसके आधार पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। आइडेंटिफिकेशन में जो मुख्य रोल आजी डैम डी स्टाफ पीएसआई सीएमएम जाला का था, इन्होंने ये उसकी ओलक संजय भाई राजेश भाई सोलंकी जो कि आरएमसी क्वार्टर्स में गोकुलधाम के एरिया में वहाँ पर रहता था, उसकी उसकी आइडेंटिफिकेशन वैसे हुई है। और उसमें पता चला कि इसकी 27 तारीख को एक लड़ाई हुई थी 12 बजे जो कि थोड़ी और गंभीर हो गई थी, और वो 5 बजे जाके इसके 3 आरोपी हैं, विशाल विजेंद्र भाई बोरीसागर, विवेक विठल भाई वड़ाद्रिया और अमित भाई लक्ष्मण भाई कोठिया। ये एक जो मुख्य आरोपी है इसमें विशाल है, उसकी एक फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता, उस फैक्ट्री में मरण जनार वहाँ पहुँचा, वहाँ पे उनके बीच में फिर से बोलाचाली हुई। इस बोलाचाली के दरमियान विशाल ने उस पर प्राणघातक हमले किए और उसकी इस कारण से मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिन तक इंतज़ार किया और थोड़ा प्लानिंग की कि इस बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, क्या करना है। उन्होंने फिर उसी फैक्ट्री के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में मरण जनार को पैक किया और वहाँ से जो उनका हथियार था जो खून में इस्तेमाल हुआ उसको डिस्पोज किया, वहाँ पे जो खून के दाग धब्बे थे उनको डिस्पोज किया। इस पूरे प्रकरण में हमको 2 साहब भी मिले जो फैक्ट्री के ही मज़दूर थे और हमने उनको भी लोकेट किया है। ये सारे आरोपियों को हमने राजकोट शहर की पुलिस ने एक ओवरनाइट ही अरेस्ट किया। संजय બુધવારે સાંજે તેના મિત્ર રાજકોટ બ્રાહ્મણ યુવાન વિશાલ બોરીસાગરના કારખાને ગયો હતો, ત્યારે બંને વચ્ચે બોલાચાલી થતા સંજયે વિશાલને મારકૂટ કરી લીધી હતી। તે પછી બંને જુદા પડી ગયા હતા। બીજા દિવસે ગુરુવારે સાંજે ફરી સંજય મિત્ર વિશાલના કારખાને ગયો હતો અને દેખાવો મચાવ્યો હતો। વિશાલે તેને અંદર આવીને વાત કરવાનું કહ્યા બાદ તેની હત્યા કરી હતી અને લાશને એક દિવસ રાખી મૂક્યા બાદ ગઈકાલે શુક્રવારે સાંજે સંજયે બીજા એકાદ બે સાગરીત કે મિત્રને મદદ લઈને લાશને પૂઠાના બોક્સમાં પેક કરી હતી અને પોતાના એક્સેસમાં આગળના ભાગે આ બોક્સ મૂકીને લાશને ગોંડલ રોડ ચોકડી પાસેના રિદ્ધિ સિદ્ધિ નાલા પાસે ફેંકી આવ્યો હતો। હાલ આજી ડેમ પોલીસે આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ધીરેન રાઠોડ સાથે હિતેશ કુમાર રાઠોડનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ રાજકોટ।